دل چرخیدہ چکر کتا او وچوں نکلی تند ہائے تند سونے ہت یار سجن دے تند سونے ہت یار سجن دے دل اڑواں پتن دل آساں لا کے आएगा दिलदार अखा मिलिया भी नहीं गला मुखिया भी नहीं अखा मिलिया भी नहीं गला मुखिया भी नहीं मे...

बहुत सारे फेस्टिवल्स होते तो इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने में भी तो ये जो मेकअप लुक है मैंने क्रिएट किया है गाइस आप इसको दिवाली पे कर सकते हो दुर्गा पूजा पे कर सकते हो नवरात्रि पे आप यू नो इस तरह से तैयार हो सकते हो विथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी साड़ी बड़ी खूबसूरत लगी मुझे साड़ी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्पल के ऊपर सेल स्टार्ट है गाइज पर्पल पूजो सेल फिफ्टी तक ऑफ आपको मिल जाएगा फिफ्टीन सेप्टेम्बर से लेके ट्वेंटी थर्ड तक ये वाली सेल चलेगी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऊपर आपको ऑफर मिलेगा तो आप जाके एक बार जरूर पोपल की ऐप को चेकआउट करना गाइस मेकअप करने से पहले ना मैं अपनी स्किन केयर करूंगी एंड मैं यूज करूंगी गुड गुडवाइब्स के प्रोडक्ट्स एंड पर्पल पूजो सेल चल रही है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ उसमें गुड गुडवाइब्स के जो टी ट्री पील ऑफ मास्क है जेल और सीरम है ये आपको फ्लैट रुपीज वन फोर्टी नाइन में मिल जाएगा एंड गुड वाइफ का ये जो टी ट्री फेस वॉश है ना ये आपको फ्लैट रुपीज वन नाइनटी नाइन में मिल जाएगा लिमिटेड पीरियड का ऑफर है तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाना परचेज लिंक्स तो देखो मैं आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी सबसे पहले मैं आप यूज करूंगी गुड वाइब्स का टी ट्री फोमिंग फेस वॉश जो टी ट्री होता है ना गाइज वो आ, आ, एंटी एक्ने उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं ऑयल कंट्रोल करेगा एंड जो गुड वाइब्स एज अ ब्रांड की बात करूँ तो पैरबिन्स नहीं है सल्फेट्स नहीं है मिनरल ऑयल नहीं है एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई डीपली क्लेंस करेगा ये आपकी स्किन को सूद करेगा इरिटेटेड स्किन को और आपको आ, जितने भी ब्लमिशेज हैं उसको फेड करने में हेल्प करेगा कंट्रोल करेगा एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को हफ्ते में एक बार ना गाइस मुझे पील ऑफ मास्क लगाना बहुत पसंद है गुड वाइफ्स में ना आपको बहुत सारे वेरिएंट्स में आपको पील ऑफ मास्क मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे यूज करी गुड वाइफ्स का टी ट्री ऑयल कंट्रोल पील ऑफ मास्क ये एंटी एक्ने लैरिफाइंग पील ऑफ मास्क है एक तो जब आप पील ऑफ मास्क लगाते हो ना तो जितनी आपकी ऊपर की डेड स्किन होती है ना वो आपकी निकल जाती है जब आप पील ऑफ मास्क को रिमूव करते हो पील करते हो फिर आपके जितने व्हाइट हेड्स हैं ब्लैक हेड्स है जितने भी रोए जैसे आपके बाल हैं वो एकदम आराम से आपके निकल जाते हैं अगर आपका एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होती है तो उसको भी रेगुलेट करेगा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा पील ऑफ मास्क है डर्ट है इम्प्योरिटीज हैं सब आपका ये रिमूव करेगा अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि पील ऑफ मास्क को रिमूव करते समय पेन होती है क्या नहीं पेन होती गाइस आप इसको अच्छी तरह से ड्राई होने दो ना आ, लेकिन जब आप इसको उतारोगे ना जब आप कंप्लीटली इसको ड्राई होने दोगे तो बहुत आराम से निकल जाता है कोई पेन नहीं होती एंड विद इन सेकेंड्स निकल जाता है बट आफ्टर रिजल्ट इज लाइक सो गुड नोज एरिया के आसपास कितनी गंदगी सी जम जाती है बिल्डअप सा हो जाता है एकदम आराम से निकाल देता है स्किन को एकदम सॉफ्ट सप्पल एंड ग्लोइंग बनाता है पील ऑफ मास्क लगाना है पंद्रह मिनट बीस मिनट के लिए इसको फेस पे छोड़ दो कम्पलीटली ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको पील कर लेना फिर पानी के साथ आपने फेस वॉश कर लेना अब मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का टीचरी एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम ये आपकी स्किन को ना इवेंट टोन करने में आपको ये हेल्प करेगा स्किन को ब्राइट करने में आपको ये हेल्प करेगा प्रोडक्ट इसके अंदर पपाया है ना तो ये आपको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा और ट्री है तो ट्री क्या करेगा रिड्यूस करेगा एक्ने को कंट्रोल करेगा ऑयल प्रोडक्शन को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपके दाग धब्बों को कम करने में भी ये आपको हेल्प करेगा फोर टू फाइव ड्रॉप्स लूंगी मैं पूरे अपने फेस और नेक के ऊपर ये वाला सीरम अप्लाई करूंगी ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये आपकी स्किन को ईवन टोन करने में या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल अगर आपको लगती है ना तो आप ये वाला सीरम अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है ना गाइस तो भी आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हो इन्हेंस करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन को अब मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का टी ट्री जेल ये नरिशिंग फेस जेल है अब अगर आपकी ऑयली स्किन है ना गाइस तो आप हैवी क्रीम्स वगैरह मत लगाओ अवॉइड करो उसको आप ना जेल्स वगैरह लगा सकते हो ऐसे बाई द ये वाली जो जेल है ना आप इसको मल्टी यूज भी कर सकते हो जैसे आप इसको अपने किसी फेस पैक वगैरह में मिक्स कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी के साथ तो भी ये बहुत अच्छा वाला फेस पैक आपका बन जाएगा ये कंट्रोल करेगा सीबम प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अनक्लॉक करेगा आपके ब्लॉक्ड क्लॉक्ड पोर्स को इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं अगर आपकी इरिटेटेड स्किन है ब्लैमिशेज हैं तो उसको ये मतलब ना इरिटेटेड स्किन को सूद करने में ब्लेमिशेज को लाइट करने में आपको हेल्प करेगा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर ना राइट नो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था आप उसका बेनिफिट जरूर उठाओ लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्किन केयर होगी गाइज अब फटाफट -फड़ से मेकअप को स्टार्ट करते हो तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी मेबलिन की मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम मेरा जो शेड है वो है न्यूड न्यूड शेड है मेरा आ, थोड़ी सी क्रीम लूंगी मैं और इसको अपने मैं पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी इसको अप्लाई करते ही ना यार आ, बड़ा ब्यूटीफुल से ग्लो आ गया था बेस्ट पार्ट पता है क्या था ये चिपचिप -चिप नहीं कर रही थी ये जैसी मैं अप्लाई कर रही थी अपने आप अप ये ना ड्राई हो रही थी जैसे मैटिफाई सी नहीं हो रही थी फॉर्मूला मैटिफाइंग है बट रिजल्ट इसका ग्लोई है आ, बहुत अच्छा लगा आपने नहीं ट्राई की ट्राई क्यों ट्राई करो क्या उसके बाद मैंने यूज़ करी यहाँ पे मेबलिन का मी फाउंडेशन वन टू एट वार्म न्यूड मेरा शेड है साथ में मैंने कलर बार का आ, ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया गीला करके अच्छी तरह से आप स्क्वीज आउट कर लो ठीक है कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर मैं पहली बार यूज कर रही हूँ अफोर्डेबल ही था ज्यादा महंगा नहीं था इसको मैंने अच्छी तरह से कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर भी बड़ा अच्छा तरह काम किया फर्स्ट मैंने यूज़ किया इसको तो एंड uh, जो स्ट्रोप क्रीम लगाई ना उसकी वजह से ग्लो आया था फेस के ऊपर तो रिजल्ट uh, पसंद आया मुझे अब ट्राई करना फिर मैंने यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर ले लिया थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर यहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी एंड थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे जहाँ पे भी मुझे अपने नो हाई लाइट सा करना है नोज हो गया फिर मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश ये ब्लश है इसमें आई थिंक आपको और भी शेड्स मिल जाएंगे आप ट्राई कर सकते हो क्रीम ब्लश है ये तो मैंने ये इसको अप्लाई कर लिया बट हम अप्लाई तो यार कर लेते हैं बट एट द एंड हमको फिर से जब वो करना पड़ता है ना पाउडर के साथ सेटिंग ये वो तो ये वाला ब्लश आई थिंक गायब ही हो जाता है मुझे तो यार दिखता नहीं है मेरे फेस के ऊपर uh, फिर तो एक और लेयर लगानी ही पड़ती है पाउडर ब्लश की बट <laughs> मैंने लगा लिया ठीक है मिस क्लियर के यहाँ पे मैंने लूज पाउडर ले लिया uh, जब ठंड का मौसम आएगा ना गाइस तब ऐसे वाले ब्लशेज बड़े काम आते हैं क्रीम ब्लशेज है ना चाहे हम अपने बेस मेकअप को सेट करें चाहे हल्का सा बहुत आ, अच्छा लगता है ऐसे हल्का हल्का सा नोज के ऊपर भी ठंड में आई थिंक ये क्रीम ब्लशेज बहुत ब्यूटीफुली अपना काम करते हैं चलो जी यार बात करते करते आपने देखा मैंने मिस क्लेयर का लूज पाउडर ले लिया मैंने ना जस्ट विद इन सेकेंड इसको लगाया और साथ ही हटा दिया क्योंकि मुझे एकदम स्किन को ड्राई तो करना नहीं था लगाया और उतारने वाला काम किया बस और कुछ नहीं वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउ पैलेट ले लूँगी आईब्रो पैलेट और एश ब्राउन इसका शेड है और इसके साथ मैं अपने ब्राउज को अच्छी तरह से फिल कर लूँगी हल्का हल्का सा फिल करेंगे ओवर नहीं करती हूँ मैं ओवर बड़ा अजीब सा लगता है फिर ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने यू कैन बी की प्रिटी ऑल सेट आई शेडो पैलेट ले ली ओके मैं यहाँ पे गाने सुन रही हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरटेन होता रहता है जब आप गाने लगा लो ना साथ में मोटिवेटेड सा रहता है बंदा अच्छे अच्छे से गाने लगा लो मूड अच्छा जाता है चलो जी यहाँ से मैंने एकदम लाइट जो कॉन्टोर वाला शेड था ना ब्राउन कॉन्टोर शेड उसके साथ मैंने अपनी क्रीज को बिल्डअप कर लिया अब मैंने यहाँ पे एक ब्राउन मरून ये ब्राउन शेड नहीं है ये प्रॉपर मरून मरून शेड शेड भी नहीं है, इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड था, इसको मैंने अपने आउटर वी पे ना अच्छी तरह से प्लेस कर लिया ठीक है भर भर के मैंने इसको प्लेस कर लिया ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग हम बाद में देखेंगे फिर मैंने किया ना ये रेड कलर लगाया शिमर कलर था ये बट अजीब सा लग रहा था बट <coughs> फिर मैंने अपनी ना साड़ी देखी तो साड़ी का जो मेरा कलर था ना वो एग्जैक्टली exactly यही था इट वॉज नॉट रेड इट वॉज ऑरेंज रेड था मेरी साड़ी का कलर साड़ी में रेड रेड है जब आप एट द एंड देखोगे ना आपको ये वाला आई मेकअप बिल्कुल मैच लगेगा फिर मैंने यही वाला शेड लगा लिया और कोई पंगा नहीं लिया शुगर का यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया अपनी लोअर वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे मैं जब भी कोई मेकअप लुक करती हूँ ना गाइस मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं अपना आउटफिट देखू एट द एंड मेरे आउटफिट के साथ कलर्स हो गया या मेकअप लुक हो गया वो एकदम मैच सिंक्रनाइज करना चाहिए ऐसा ना लगे कि इसने कपड़े कुछ और डाले हैं ज्वेलरी कुछ और डाली है आई मेकअप कुछ और तो मेरा मेन फोकस गाइस पूरा मेरा आउटफिट होता है um... इसलिए अच्छा मैंने यहाँ पे एक ब्लैक काजल ले सॉरी ब्लैक आई शेडो ले लिया इसको अपने आ, पूरी लोअर लो पे ना ना मोटा मोटा करके लगा लिया लिया अब मैंने जो उपर, जो जो ऊपर एकदम कॉर्नर ब्राउनी मरून सा कलर लिया था न, उसी के साथ मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन को हल्का हल्का सा स्मज कर लिया ताकि जो ब्लैक काजल है एकदम ब्लैक आई शेड एकदम लाइन की तरह ना नजर आए थोड़ा सा स्मज स्मोक आउट सा नजर आए मस्कारा हमने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का लगा लिया अब ये मार्स की आई फेस पैलेट है इसमें से सबसे पहले हम अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर देंगे फोर की स्पीड के ऊपर एक्चुअली वीडियो में फोर की स्पीड है ओरिजिनल तो भैया एक मिनट लग गया था कॉन्ट्रोल करने में तो मैंने सोचा वीडियो लंबी हो जाएगी हमने अपने नोज को पतला दिखाना था चीक्स को चिन एरिया को फोर हेड को तो सबको हमने पकड़ के कॉन्टोर कर दिया और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ब्लश अप्लाई कर रहे हैं अपने चीक्स के ऊपर भी हल्का हल्का सा नोजी के ऊपर भी नोजी के ऊपर बहुत क्यूट सा लगता है जब आप हल्का हल्का सा ब्लश लगाओ या बेटा ओके <laughs> okay, उसके बाद गाइस फिर मैं यहाँ पे सेम पैलेट में से ना डबल की स्पीड पे हाँ जी अभी स्पीड डबल है ना तो डबल बोलूंगी मैं हाइलाइटर लगा लिया बड़े ब्रश के साथ ही हाइलाइटर लगा रही जब मुझे बिल्कुल एकदम नेचुरल वाला लुक चाहिए होता है ना जहाँ पे मेरी चीक्स एकदम ऐसे लगे कि पूरा फेस ही इसका ग्लो सा नज़र आ रहा है इसका चीक्स तो मैं ना पूरा बड़े वाले ब्रश के साथ लगाती हूँ ऐसे लगता है जैसे पूरी चीक्स ग्लोई ग्लोई सी लग रही है आ, साड़ी मैंने अपनी चेंज कर ली अभी आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा नोज के ऊपर वो मैंने बाद में ठीक कर लिया था ठीक है साड़ी मैंने अपनी चेंज कर ली है साड़ी है क्रीवा डॉट कॉम की तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अब क्या किया मैंने डबल की स्पीड के ऊपर जब हम स्पीड डबल करते हैं ना किसी भी क्लिप की उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है तो मैं भूल गई थी यहाँ पे अम्म हाईलाइटर लगाना आइस के कॉर्नर में एंड ब्राउ बोन पे तो मैंने दोनों जगह पे हाईलाइटर लगा लिया स्विस्ट ब्यूटी की ये जो लिप लाइनर है ना इसका कलर तो देखो बहुत सुंदर था लिप लाइनर है ये स्विस ब्यूटी का आ, जो डब्बा नहीं आता पूरा थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज में आपको पता नहीं बारह पंद्रह शेड मिल जाते हैं लिप लाइनर के वो आप ले लो बड़ा अच्छा वाला है उसमें आपको बहुत सारे लिप लाइनर्स मिल जाएंगे बट अभी ये जो मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ ना इसने लिप लाइनर से डार्क थी तो मैंने क्या किया लिप लाइनर को छुपा दिया अदरवाइज अगर आप ये वाला लिप लाइनर लेना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड आप जरूर ट्राई करो बट आज की जो मेरी लिपस्टिक थी वो इतनी डार्क थी ना वो लिप लाइनर ही छुपा दिया मैंने फिर ये मेबलिन के सिक्स शेड है ये सिक्स हंड्रेड नाइनटी सिक्स बर्गंडी ब्लश मेबलिन का जो क्रीमी मैट रेंज है ना उसमें से इतना खूबसूरत वाला शेड है ना ये ना मैं कुछ दिन पहले कुछ ढूंढ रही थी अपनी अलमारी में ये मुझे शेड दिखा मैंने बोला मैं किसी अपने मेकअप लुक में जरूर इंक्लूड करूंगी मुझे आज का लिप कॉम्बो अच्छा लगा पसंद आया मुझे ज्वेलरीज फ्रॉम मीशो इसका मैं ना अलग से शॉर्ट एंड रील अपलोड करूंगी मतलब एक वीडियो डालूंगी उसको मैं दिखाऊ शॉर्ट में भी डाल दूंगी यूट्यूब शॉर्ट में एंड इंस्टाग्राम रील में भी आई नो भी कुछ शॉर्ट्स एंड रील्स ज्वेलरी के एंड साड़ी की लास्ट मेकअप लुक से पेंडिंग है बट मैं करती हूँ यार थोड़ा सा इधर काफ़ी बिजी हो गई थी नए घर में भी थोड़ा सा काम वाम चल रहा था तो बट कोई बात नहीं करते सारी ज्वेलरी मीशो की है यार नेक पीस भी और ये रिंग विंग भी आई थिंक एक मिंत्रा की ये रिंग है यार मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहा मैं आपको ढूंढ के ना सब के आपको मैं यूट्यूब शॉर्ट एंड इंस्टाग्राम रील डालूंगी आई नो फेस्टिव सीजन में आप ऐसे ऐसी ज्वेलरी ढूंढते हो ना एंड दे आर अफोर्डेबल मैं भी ना बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी नहीं खरीदती यार अब कितना बंदा पैसा लगाएगा तो सस्ती सस्ती ऐसी ज्वेलरी ले लेते जो दिखने में भी सुंदर लगे एंड आप लोगों के साथ शेयर भी मैं कर सकूँ ताकि आप लोग भी ले सको कड़े भी यार मीशो के ही हैं मीशो या फिर मिंत्रा I have no idea. चलो anyways, <laughs> मैं भी गुम जाती अपनी बातों में कलर की बिंदी लगा ली है है बालों को एकदम लंबा खुला छोड़ दिया आपको कैसा लगा कॉमेंट डाउन करके आप ज़रूर बताना आ, मुझे अच्छा लगा ये वाला पसंद आया चलो जी मिलते हैं हम में

ঠার যা শুনে তু থিদের ওর ঠার যা তু থি দর হোর ঠার যা ঠার যা